हेलो ब्यूटीफुल एंड लवली पीपल, आई होप तुम लोग एकदम करी वाली जिंदगी जिएगा होगे। एंड करे से याद आया कि पांच एकदम टॉप क्लास की अपडेट्स अपन लेके आए हैं शाहरुख खान सर के लाइनअप से रिलेटेड एंड उनकी नेक्स्ट मूवी से रिलेटेड, जिसमें भाई सबसे पहले हम बात करेंगे द किंग फिल्म के बारे में, उनके लाइनअप के बारे में क्या होने वाला है। एंड एक्चुअली में ये जो द किंग मूवी आ रही है इसको लेके कई सारे साइकेंस पहले से एक्साइटेड नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बस स्कीम है, जैसे कि सलमान भाई चलाते आए हैं अपने रिलेटिव्स को भाई मतलब लॉन्च करने के लिए, वैसे ही शाहरुख खान साहब भी कर रहे हैं। बट यहाँ चीज़ें अलग हैं, क्योंकि छोड़ो यहाँ पे पर्सनल नहीं जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एस आर के सर के लाइनअप के बारे में, तो सितंबर से द किंग मूवी की शूट वो स्टार्ट करने वाले हैं विद सुजॉय घोष। एंड यहाँ पर इस मूवी से रिलेटेड और भी बहुत सारी कगरी कगरी अपडेट्स हैं, तो वीडियो में तुम आगे तक बने रहोगे। एंड आफ्टर दैट द किंग के बाद वो पठान 2 की शूट करने वाले हैं, और उसके अलावा अभी कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो कि ऑफिशियल तौर पर उन्होंने साइन कर लिया हो। तो अगर तुम्हें ऐसी कोई अपडेट मिल रही है तो बी अवेयर, डीएस शुक्ला को देखो केवल। सेकेंड नंबर पर हम बात करने वाले हैं द किंग की प्रोडक्शन हाउस, यानी कि उसमें डायरेक्शन टीम में कौन कौन शामिल होने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। सबसे पहले तुम्हें एक चीज़ बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये फिल्म जैसी बन रही थी वैसी अब नहीं रह गई है। पिक्चर में काफ़ी सारे चेंजेस किए जा चुके हैं, एंड इसमें सबसे बड़ा चेंज जो है वो है इस मूवी का प्रोडक्शन हाउस, जो कि पहले सुजाय घोष से वेब सीरीज बनाने वाले थे मतलब शाहरुख खान सर के साथ मिलकर, बट अभी ये मूवी पूरी तरह से जा चुकी है मार्फ्लिक्स एंटरटेनमेंट के पास, जो कि सिद्धार्थ आनंद का एक प्रोडक्शन हाउस है जिसके अंदर उन्होंने फाइटर को निकाला था, मैंने ये लास्ट वीडियो में तुम्हें बताया था। इसके बाद सिद्धार्थ आनंद इस मूवी के अंदर एज अ एक्शन डायरेक्टर काम करने वाले हैं, मतलब वो सिर्फ एक्शन को कोरियोग्राफ ही नहीं करेंगे बल्कि वो सारे क्राफ्ट्स भी लिखेंगे कि कैसे कैसे क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्योंकि वी ऑल नो कि सुजाय घोष इज अ वेरी गुड डायरेक्टर, टैलेंटेड डायरेक्टर। बट जहाँ पर बात आती है मास अपील्स की, एज वी ऑल नो कि भाई फैंस जो चाहते हैं इस टाइम पे, तो भाई सिद्धार्थ आनंद से बेटर कोई नहीं है। एंड अपन ने ऐसा देख लिया है, फाइटर को हम लोग अंडर परफॉर्म बोल रहे थे, पर अभी बड़े मियाँ छोटे मियाँ आई तो पता चला कि फाइटर ने भी अच्छा ही कलेक्शन किया था एज कंसिडर इट्स बजट, और वो दो ही वो पिक्चर नहीं थी जिसके प्रोड्यूसर ने 1100 करोड़ कहा हो। खैर ये पर्सनल थोड़ा हो जाए। इसके बाद बात करने वाले हम द किंग फिल्म की स्क्रिप्ट के बारे में, जो कि अब चेंज हो चुकी है। एंड उसका एक रीजन है कि सुजाय घोष जिन्होंने इस फिल्म की कहानी लिखी थी और वो डायरेक्टर के तौर पे काम भी करेंगे, वी ऑल नो कि ही इज अ वेरी टैलेंटेड गाय, बट जहां पर बात आती है मास अपील्स की, कहीं ना कहीं उनका हाथ थोड़ा सा पीछे है। एंड उनकी राइटिंग एक भाई अच्छी एक्शन थ्रिलर के लिए तो जानी जाती है, बट मास अपील में वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लैक कर जाते हैं, मतलब कि ऑडियंस थिएटर में नहीं बल्कि उस पिक्चर को जो सुजाय घोष ने बनाई हो वो OTT पर भी देख सकती है। एंड अब क्योंकि मूवी के अंदर SR के सर होने वाले हैं, एंड उन्हें पता है बहुत अच्छे से ही कि मार्केट में क्या चीजें चल रही हैं, एंड एक्चुअली में पब्लिक इस टाइम पर चाह क्या रही है। ऑडियंस की इस मास वाली अपील को दृष्टिकोण में रखते हुए सिद्धार्थ आनंद एंड सुजाय घोष दोनों लोगों ने मिलकर इस मूवी की स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस किए हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ा चेंज ये है कि भाई SR के सर अब फुल फ्लेज्ड रोल में होने वाले हैं, उनके कैरेक्टर से जुड़ी उनकी सेट से जुड़ी काफी सारी चीज चेंज करी गई हैं। एंड उसके अलावा मूवी को एक मासी टाइप में पिक्चर बनाने का भी काम इन्होंने किया है, एज लाइक कि तुम पठान को देख लो, थ्रिल तो कर दी है तुम्हें, बट उसके अंदर मास एलिमेंट भी डाले जाते हैं, हीरो की एंट्री से लेके विलन के विशल वाली एंट्री तक। अब देखो जब हम SR के सर के रोल के बारे में बात कर रहे हैं, तो अपना फोर्थ वाला पॉइंट भी इसी टॉपिक पे रिलेटेड होगा, एज लाइक कि भाई जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में तुम्हें बताया था कि मूवी के अंदर SR के सर का फुल फ्लेज रोल होगा, जहां वो सुहाना खान के मेंटर के तौर पर नजर आएंगे, एंड भाई वो एक बैड एस कैरेक्टर प्ले करने जा रहे हैं। इस कैरेक्टर से जुड़ी आज कुछ और अपडेट्स आई हैं, जैसे कि भाई पिक्चर के अंदर SR के सर एज ए डॉन नजर आने वाले हैं। हाँ वो मतलब रणबीर भैया के साथ नहीं, उनका अपना जो भी चल रहा है उनको बनने देते हैं, अभी साइड करते हैं उनको, फरहान खान भी हो रहे होंगे, फरहान अख्तर भी, की क्या फालतू पर्सनल नहीं जाते हैं। इस मूवी के अंदर SR के सर एक अंडरवर्ल्ड डॉन का रोल प्ले करेंगे, जो की एक ग्रे शेड कैरेक्टर होगा, नहीं मतलब डॉन ग्रे ही होता है, ग्रे शेड कैरेक्टर ही होता है। एंड मूवी के अंदर ये जो चेंज है ये इस फिल्म को किसी भी दिशा में लेके जा सकता है, बिकॉज ऑफ की वी ऑल नो की जब भी बात आती है कि शाहरुख खान को एक ग्रे शेड कैरेक्टर में देखना है, भाई बोगड़ा जाती है पब्लिक कि हमको ये देखना है, मुझे अभी देखना है, आई डोंट केयर, एज लाइक कि भाई पठान में तुम उनका एक लुक ही ले लो, जब लंबे बाल वाला लुक था तो भाई लोगों को लगा कि ये काफी बैड एस कैरेक्टर होगा, हालांकि सिद्धार्थ आनंद ने उसे थोड़ा रोमांटिक फील दिया, बट भाई ठीक है आप क्या ही बोल सकते हैं, अगले पिक्चर में देख लेंगे अपन। मूवी के अंदर ये जो डॉन का कैरेक्टर SR के सर प्ले करने वाले हैं, उनके भी लॉन्ग हेयर एंड बियर्ड वाला लुक होगा एज सिमिलर की पठान, अब हाँ हालांकि उसे मे बी थोड़ा सा ज्यादा ओल्ड एज का दिखाएं या फिर कुछ तो चेंज करेंगे, बिकॉज ऑफ की इसके बाद जस्ट वो पठान 2 शूट करेंगे, एंड आई होप कि उसमें भी उनके लंबे ही बाल लगाएंगे, जैसे कि पठान के लंबे बाल हैं, तो वो थोड़ा सा लंबे बालों वाला थोड़ा शायद ओवर हो जाए। हालांकि एक चीज़ तो मैं बता दूँ कि अभी कुछ दिन पहले से, यानी कि कुछ महीनों से SR के सर
अपने लंबे बालों के साथ, मतलब बाल उन्होंने फिर से बड़े कर लिए थे एंड वो डेली घूम रहे थे, तो कुछ लोगों का सवाल भी था कि ये एक्चुअली में क्यों है, जिसका अब रीज़न साफ हो चुका है कि द किंग एंड पठान 2 के लिए उन्होंने अपने बाल फिर से बढ़ा लिए हैं। तो मतलब कि आने वाले 1-1.5 साल वो इन्हीं दोनों पिक्चरों पर काम करने वाले हैं। 1 साल तो पूरा मान के चलता हूँ, सितंबर से द किंग, उसके बाद फिर पठान 2 चालू हो जाएगी एंड उसके बाद देखते हैं कि उनकी नेक्स्ट पिक्चर क्या होती है। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना। सो लेट्स सी कि भाई सोचा है घोष हमको क्या बना के देते हैं, क्योंकि मुझे एज ए मासी फिल्म मैं जिस तरह की पिक्चर देखना चाहता हूँ एसआईके से की, सुजाय घोष मुझे उस टाइम पे एक अच्छी चॉइस नहीं लग रहे थे कि भाई किंग पिक्चर ये क्यों कर रहे हैं, क्या ही जरूरत है जब पिक्चर आपकी 1100 करोड़ 1150 करोड़ कर चुकी है, अकेले आपने पूरे बॉलीवुड को पिछले साल सर्वाइव करवाया हो, पूरा सा रिवाइव किया हो, तो कुछ बड़ा ही करते हैं। बट अभी जैसी खबरें आ रही हैं ऐसा लगता है कि भाई ये पिक्चर भी कुछ छोटी नहीं होने वाली है, और वैसे भी जहाँ शाहरुख खान का नाम जुड़ा होता है वहाँ चीज़ें थोड़ा सा बड़ी हो जाती हैं। खैर तुम्हारा इस मूवी के बारे में क्या कहना है, तुम इसका इंतजार कर रहे हो या नहीं, तुम्हें इसकी कौन कौन सी अपडेट्स अच्छी लगी एंड तुम इस पिक्चर में क्या चाहते हो कि कैसा होना चाहिए, ये सब कुछ बताओ। बाकी किसी और वीडियो में इनकी सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जिंदगी में है ही क्या, मिलेंगे अगले वीडियो में। प्यार तुमसे था और रहेगा, लव यू ऑलवेज।